नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है, लेकिन इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विपक्षी पार्टियों समेत तमाम मुस्लिम संगठन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के नाम पर जमकर उत्पात भी मचाया जा रहा है, थाने फूके जा रहे हैं, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। हिंसात्मक प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया के इमाम मोहम्मद ताहिदी को भी गुस्सा आ गया। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून का सियासी नेताओं समेत तमाम मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। विरोध तक तो ठीक था, लेकिन विरोध के नाम पर सरेआम पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हिंसा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक पुलिस वाला पीठ के बल सड़क पर लेटा हुआ है और कुछ दंगाई उस अकेले पुलिसकर्मी पर पत्थर बरसा रहे हैं। यही तस्वीर पोस्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया इमाम मोहम्मद ताहिदी ने ट्वीट किया है। गुस्से से लाल इमाम ने ट्वीट किया, मैं सर्जरी की वजह से सोशल मीडिया से दूर हूँ और जल्द ठीक होने वाला हूँ, लेकिन अब चुप नहीं रह सकता। भारत में इस्लामिक कट्टरपंथी इस क्षेत्र में अब तक के इतिहास में सबसे बुरे और सबसे पाखंडी हैं। वो पाकिस्तान के साथ हैं। भारत की पुलिस कानून और राष्ट्रगान का अनादर करते हैं, फिर भी भारत की नागरिकता की मांग करते हैं। ट्विटर यूजर विक्की ने लिखा, विरोध के नाम पर वो लोग बस कार बाइक जला रहे हैं, पुलिस और आम लोगों पर पथराव कर रहे हैं। जब लोग पूछते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि विरोध क्यों कर रहे हैं, वो किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। ट्विटर यूजर संजय प्रकाश ने ट्वीट किया, प्रोटेस्ट उनकी नागरिकता को लेकर नहीं है क्योंकि वो खुद नागरिक हैं। ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के बारे में है। पूरा ड्रामा रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए है जो कभी नहीं होगा, इसलिए विपक्षी पार्टियां भीड़ को गुमराह कर रही हैं। इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ इमाम ताहिदी अक्सर आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए सर्जरी के बाद जब उन्हें आराम करने की जरूरत है तो इसके बावजूद भारत से आई दर्दनाक तस्वीर ने उन्हें ट्वीट करने पर मजबूर कर दिया। पीएम मोदी के बड़े समर्थक इमाम मोहम्मद ताहिदी के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ बोलने का आरोप लगाकर कई बार फतवा भी जारी किया जा चुका है। मुस्लिमों का एक तबका उन्हें फेक इमाम बताता है। वो पाकिस्तान को भी लताड़ते रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में इमाम मोहम्मद के काफी समर्थक हैं। भारतीय मुसलमानों के बारे में इमाम मोहम्मद ने कहा था कि भारत के मुसलमान अच्छे हैं, लेकिन मेरी दिक्कत इस्लाम के पाकिस्तानी वर्जन से है जो आतंकियों से काफी प्रभावित है। बता दें, भारतीय पुलिस वाले को पिटता देख जिस तरह से इमाम मोहम्मद को गुस्सा आ गया, कुछ इसी तरह के गुस्से में रविवार को पीएम मोदी भी नजर आए जब वो दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे। ऐसे उपद्रवियों को पीएम मोदी ने जमकर लताड़ा था। बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है, भारत के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति, उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, यह देश भली भांति समझ चुका है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं, पहली बार मैं जीत करके आया, देश की जनता ने मुझे जीता करके बिठाया, तो जो लोग नहीं चाहते थे उनको समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। दोबारा न जीत पाऊं, देश की जनता समर्थन न करे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए, लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए।
सदमा ये अभी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये पहले तो आ गया, ये दोबारा कैसे आ गया? अब जिन दिन नतीजे आए हैं उसी दिन से ये देश में तूफान खड़े करने की फिराक में है। ये इनके इरादे हैं और कोशिशें पहले भी की लेकिन लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उनका यही हाल होने वाला है। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया ये आपको अगर पसंद नहीं है मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जूतने जूते मारने हैं मारो, मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों मारकर पीटकर आपको क्या मिलेगा? और भाइयों बहनों, जिन पुलिस वालों पर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्म भी कर रहे हैं, मैं जरा इन तूफानियों से पूछना चाहता हूं, इनके आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर खेल खेल रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? और इन शरारती तत्व समझ लें, जब पहले भी आपकी सरकार थी ये पुलिस वाले भी आप ही के थे, सरकारें बदलती है, पुलिस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। इस देश को पता नहीं है आजादी के बाद 33,000, ये आंकड़ा बताइए लोगों को, आजादी के बाद 33,000 हमारे पुलिस भाइयों ने शांति और सुरक्षा के लिए शहादत दी है, 33,000 आंकड़ा कम नहीं होता। नागरिक की रक्षा करने के लिए शहीद हुए हैं और आप बेरहमी से उनको मार रहे हो। जब कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है, तो पुलिस न धर्म पूछता है, न जाति पूछता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न ठंड देखता है, न बारिश देखता है, वो आपकी मदद के लिए आके खड़ा हो जाता है। अभी यहां दिल्ली में ही पिछले दिनों जिस मार्केट में आग लगी, मंडी में,
इतने लोगों की जान गई, उस समय पुलिस किसी का धर्म पूछने नहीं गई थी, आग के अंदर जाकर के जितना जिंदा लोगों को निकाल सके निकालने का काम किया। और आप पुलिस पे हमला कर रहे हो, और देश के नेता, 100 साल से पुरानी पार्टी के नेता, उनको हिंदुस्तान क्या है? उपदेश दे रहे हैं लेकिन शांति के लिए दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है, हिंसा छोड़ने के लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब हिंसा को आपकी मुख सहमति है। पुलिसों पर हो रहे हमले, निर्दोषों पर हो रहे हमले, उसको आपकी मौन सहमति है, ये देश देख रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे कल्पना कीजिए, पुलिस का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुलिस का आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर पुलिस को हम परेशान करेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 33,000 पुलिस शहीद हुए, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आइए उन 33,000 शहीद पुलिसों को याद करते हुए मेरे साथ नारा बोलिए, शहीद हो, शहीद हो, अमर रहो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो। इन सभी शहीद पुलिस आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं।